दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर ई मैंडेट क्या होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन होता है कि ई मैंडेट क्या चीज़ होती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम होता है दोस्तों ई मैंडेट करना। वहाँ पे आप ई साइन वगैरह करते हैं, OTP वगैरह सारा वेरीफाई करते हैं, अमाउंट वगैरह डालते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि सर वहाँ पे अमाउंट हम जो डालते हैं उतना अमाउंट क्या हमारे अकाउंट से कटेगा, या फिर बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन थे, सवाल थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ई मैंडेट होता क्या है, और आज ई मैंडेट से लेकर जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आ सके कि ई मैंडेट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन गूगल से लिए हैं जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट से हैं, और वहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं और उनका आंसर भी दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है। इन सब के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके गूगल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, वाई इज़ द मैंडेट लिमिट परचेज या व्हेन माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ लेसर देन डेट। कहने दोस्तों मतलब ये है कि वहाँ पे कई बार ये सवाल भी होता है लोगों का कि वहाँ पे लोग 25,000 या 50,000 डाल देते हैं और मेरी इन्वेस्टमेंट तो कम है, मेरी SIP जो है वो 500 की है, 1,000 रुपये की है, 2,000 रुपये की, एयर वट एवर जो भी हुआ आपका, तो वो तो कम होती है। लेकिन वहाँ पे अमाउंट मैंडेट में 25,000 या 50,000 लोग क्यों डालते हैं? तो दोस्तों कहने का दोस्तों ये मतलब है कि जहाँ पे हम लोग 50,000 लिख देते हैं या फिर 25,000 लिख देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप ये अलाउ कर रहे हैं कि एक महीने में मेरी जो SIP का अमाउंट होगा वो इतने से ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ पे मान लीजिए आप 25,000 डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी महीने में SIP स्टार्ट करेंगे, जो भी ऑटो डेबिट होगा, तो उनका जो अमाउंट होगा, सम अमाउंट होगा, वो उतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना आप मैंडेट अमाउंट में लिखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो अमाउंट हम डालते हैं उसका मतलब ये होता है। आप वहाँ 1,00,000 तक भी डाल सकते हैं, वो एक लिमिट होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप एक महीने में उससे ज़्यादा SIP ऑटो डेबिट जो होता है तो वो दोस्तों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ भी है, यो मैंडेट लिमिट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन इन्वेस्ट ऑफ एनी गिवन डे ऑफ ए मंथ, इट इज़ सेट 25,000 बाई डिफ़ॉल्ट। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपकी SIP चलाओ, चाहे ऑटो डेबिट करो या एक SIP, दो SIP, कितनी भी चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो आप मैंडेट में अमाउंट डालते हैं उससे दोस्तों जो सम अमाउंट होगा आपकी SIP का वो कम होना चाहिए। अब दोस्तों इसको विस्तार से पढ़ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ICICI का एक नोट्स ले रखा है जहाँ पे उन्होंने ई मैंडेट को समझाया है। आप ये सारी चीज़ें नेट पे देख सकते हैं, अवेलेबल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगा, आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मैंडेट, ई मैंडेट होता क्या है। तो ई मैंडेट दोस्तों होता यह है कि आप एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं बैंक को या फिर म्यूचुअल फंड को कि आप मेरे बैंक से ऑटो डेबिट कर सकते हैं। ये दोस्तों पहले ऑफलाइन होता था जिसमें फॉर्म वगैरह भर के बहुत सारा प्रोसेस होता था, लेकिन अब ये दोस्तों तुरंत ही हो जाता है। मतलब ई हस्ताक्षर वगैरह ऑनलाइन ही, आपका आधार कार्ड वेरीफाई सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ई मैंडेट का मतलब ये है कि आप अलाउ कर रहे हैं ऑटो डेबिट के लिए म्यूचुअल फंड को। उसके बाद और भी सारे ये कई क्वेश्चन हैं तो मैं मेन मेन क्वेश्चन आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, व्हाट इज़ द मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट अमाउंट सेट फॉर मैंडेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हम क्या सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मिनिमम अमाउंट फॉर मैंडेट 5,000 से लेके और 1,00,000 तक आप मैंडेट अमाउंट में डाल सकते हैं। दिस अमाउंट कैन बी एडिटेड एंड इंक्रीज्ड एज वेल। आई मीन दोस्तों आप इसको किसी भी वक्त चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ई मैंडेट होता, कि ई मैंडेट का मतलब ये होता है कि आप अलाउ कर रहे हैं ऑटो डेबिट के लिए अपने बैंक से म्यूचुअल फंड के लिए। अमाउंट इसलिए डालते हैं कि उससे ज़्यादा हमारा जो ऑटो डेबिट SIP वगैरह होगा उससे ज़्यादा अमाउंट हमारा नहीं होगा। वो एक दोस्तों आप वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट लिखते हैं कि भाई 25,000 तक मेरी SIP होंगी, इससे ऊपर अमाउंट की नहीं होंगी। तो ये दोस्तों सजेशन हमेशा दिया जाता है कि मान लीजिए आप 50,000 वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब इतना डाल दीजिए कि अगर भविष्य में बढ़ाना भी पड़े तो हम उस चीज़ को बढ़ा पाएँ। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आप एक्स्ट्रा एक मैंडेट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कहने का दोस्तों मतलब ये है
कि वहाँ पे ई मैंडेट जो स्टार्ट करते हैं, जो अमाउंट आप डालते हैं, उसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑटो डेबिट SIP है उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ई मैंडेट होता क्या है। ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड के लिए ये एक प्रोसेस होता है। जब भी आप SIP स्टार्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको ई मैंडेट वहाँ पर मांगेगा। तो आई होप आप ई मैंडेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा। बट दोस्तों, आपका अभी भी कोई सवाल बचा हो या फिर कोई भी डाउट अभी हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।